बाबा स्वामी, मेरा नाम है वान्या हुन्ने मलानी। मैं 8 साल की हूँ और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि अगर हमें आत्मा साक्षात्कार प्राप्त होए तो हमें कैसे पता चलता है? जय बाबा स्वामी। बेटे, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद में हमको ऐसा पता चलता है कि हमको हमारे जीवन में वाइब्रेशंस फील होने लग जाते हैं, हमारे शरीर में वाइब्रेशंस फील होना चालू हो जाते हैं। एक दूसरा, हमको ना शरीर का स्वास्थ्य लाभ होना चालू हो जाता है, यानी जो छोटे छोटे सर्दी खांसी वगैरह ऐसे बीमारियाँ होती ना, वैसे बीमारियाँ होना कम हो जाती है। दूसरा, अपने विचारों की तीव्रता कम हो जाती है। अपन जो बार बार खूब लंबा लंबा विचार करते रहते हैं या लंबा लंबा सोचते रहते हैं ना, वो सोचने की तीव्रता, मैंने पहले 10 मिनट का विचार होगा तो फिर बाद में 9 मिनट 8 मिनट ऐसा धीरे धीरे विचारों की कम हो जाती। और दूसरा, हमारे अंदर एक चेंज आता है, हमारे अंदर एक बदलाव आता है, हमको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होता है अपने अंदर। तो ये एक बातें हैं जो आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में। लेकिन सिर्फ आत्म साक्षात्कार पाना सब कुछ नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मतलब डॉक्टर हो गए क्या? नहीं, उसमें तो केवल एडमिशन मिला है, डॉक्टर तो फिर पढ़ाई करके होते हैं। वैसे आत्म साक्षात्कार अलग बात है और उसके बाद में प्रगति अलग बात है। तो आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में हमको ही नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके अपनी प्रगति करना पड़ती है। तो आत्म साक्षात्कार मिलना यानी केवल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने जैसा है, लेकिन डॉक्टर बनना ये अपने नियमित साधना से संभव है। तो आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में अपने अंदर ये चेंज आता है, अपने अंदर ये बदलाव आता है। जो लोग अपने को पसंद नहीं करते वो लोग भी हमको पसंद करने लग जाते हैं। ये अपने अंदर का क्यों? क्योंकि अपना हवामंडल चेंज होता है, अपने विचार चेंज हो जाते हैं, अपना सोचना चेंज हो जाता है और सदैव परिस्थिति में स्वीकार करना आ जाता है। आप किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में अगर हम साधना करते हैं, आत्म साक्षात्कार मिलना सब कुछ नहीं है, अगर हम साधना करते हैं तो हमको स्वीकार करना आ जाता है। सो कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति से कोई शिकायत नहीं है, सब परिस्थिति स्वीकार है। अच्छा मिला तो भी स्वीकार है, बुरा मिला तो भी स्वीकार है, सक्सेस मिली तो भी स्वीकार है, हार मिली तो भी स्वीकार है, यानी सब चीज़ों को स्वीकार करना। और दूसरा, जीवन में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण आता है कि जो कुछ हुआ है वो मेरे भले के लिए ही हुआ है, वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। हो सकता है उस समय अपने को वो अच्छा नहीं लगे, उस समय अपने को बुरा लगे, लेकिन बाद में हम भविष्य में देखेंगे तो वो अपने अच्छा ही साबित होता है। तो ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसे पॉजिटिव दृष्टिकोण जीवन में आ जाते हैं अगर हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। और उसके सिर्फ मैंने बोला सिर्फ आत्म साक्षात्कार से नहीं, उसके अंदर साधना में उतरना पड़ता है। जैसे मैंने आत्म साक्षात्कार एक बीज है और बाकी वृक्ष हमको बनाना पड़ता है। तो हमको सिर्फ आत्म साक्षात्कार से एकदम चेंज नहीं आता, उसके अंदर साधना करने से चेंज आता है। तो जितनी आप साधना करोगे उसके अंदर आत्म साक्षात्कार के रिजल्ट, आत्म साक्षात्कार के परिणाम आपको आपके जीवन में दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। और मुझे आपसे ये सवाल है कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ मुझे अलग टाइप के कलर दिखते हैं। जय बहुत सारे। बेटे, कलर दिखना अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। कलर कहाँ दिखते हैं? आज्ञा चक्र पे पहुँचने के बाद में
हमको देखने की एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसे ना ध्यान करते 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 हमारी ऊर्जा इस आज्ञा चक्र तक आती है और देखने के बाद में देखने की दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है, हमको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि आप यहाँ से ध्यान करते करते यहाँ तक पहुँच गए, यानी ये इतने सारे चक्र आपने पार कर लिए, इस चक्र तक पहुँच गए। लेकिन इस चक्र तक पहुँचे लेकिन अभी यात्रा संपूर्ण नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने का। तो यहाँ पे अगर हम आज्ञा चक्र पहुँचते तो हमको दिखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती, दिखने की शक्ति मिल जाती। शक्ति मिलने के बाद में हमको दिखना प्रारंभ हो जाता है, किसी को कलर दिखते हैं, किसी को देवता दिखते हैं, किसी को गुरु दिखते हैं, ये दिखने की स्थिति प्राप्त हो जाती। और उसके ना उसके अपन जैसे ऊपर जाते हैं फिर ऊपर शून्य है। तो कलर दिखना पहचाने कि अच्छी स्थिति प्राप्त हो गई, यहाँ तक पहुँच गए, ये अच्छी बात है। और बुरी बात ये अभी तक हम यहाँ नहीं पहुँचे, यहाँ पहुँच जाएंगे ना तो फिर कुछ भी कलर नहीं, देवता नहीं, गुरु नहीं, कोई नहीं दिखेगा, ये एकदम शून्य बोलते ना, शून्य शिखर पे अनाज भाजी, ये एकदम निर्विचारिता का शून्य शिखर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर दिखने की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। दिखना भी शरीर से होता है ना, दिखना, सुनना, बोलना, सोचना, ये सब शरीर की प्रक्रिया है। तो वो भी प्रक्रिया समाप्त हो जाती और यहाँ पहुँचने के बाद में कुछ नहीं रहता। हाँ, अनुभूतियाँ होती, यहाँ पहुँचने के बाद में ये अनुभूतियाँ होगी, घंटा नाद सुनाई आएगा, शंखनाद सुनाई आएगा, चंदन की खुशबू आएगी, गुलाब की खुशबू आएगी, ऐसी अलग अनुभूतियाँ आपको वहाँ जाके होगी, लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं। हाँ, और दूसरा आप देखोगे कोई चंदन का इत्र लगा के आया क्या, आप इधर उधर देखोगे कोई चंदन है क्या, कुछ देखोगे कुछ नहीं। लेकिन जहाँ आप देखने जाओगे ना तो फिर आप बुद्धि के स्तर पे चले जाओगे और फिर वो खुशबू चली जाएगी। वास्तव में ये कहीं से आई नहीं रहती, आपके सहस्रार चक्र पे पहुँचने के बाद में आपके अंदर से निर्मित होती है, वो आपको ही महसूस होती है। तो कहने का अर्थ, कलर दिखना अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात यह है कि आपकी प्रगति यहाँ तक हो गई, बुरी बात है अभी आपको यहाँ तक पहुँचने का है, मंजिल अभी दूर है, ये पड़ाव है, ठीक है, आप वहाँ तक पहुँचो, ये मेरी इच्छा है। खूब खूब आशीर्वाद। प्यारे गुरुदेव और प्यारी गुरु माँ, नमस्कार, मैं द्विजा सोनी हूँ और मैं 9 साल की हूँ। बाबा, मैं तो रोज ध्यान करती हूँ, बट एक बार ध्यान में हमने ऐसे ऐसे एक एनर्जी बॉल फील किया और मुझे एकदम मैग्नेट की जैसे, मैंने मुझे बहुत अच्छा बॉल फील हुआ। तो ये क्या है और ये हम सिर्फ जब ध्यान करते हैं तभी फील होता है कि पूरे दिन में कभी भी होता है? देखिए, ये एनर्जी के बॉल फील होना, कलर्स दिखना, ये सब दिखने की शक्ति प्राप्त होने के बाद में होता है। हम जब ध्यान करते करते आज्ञा चक्र तक पहुँचते कि नहीं, तो हमारे को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और ये दिखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो दिखता है ना। और दूसरा जरूरी नहीं कि वो ध्यान में दिखेगा। क्या होता है, हम समझ लो सवेरे आधा घंटा ध्यान करते हैं लेकिन बाकी 23.5 घंटे पे भी उस ध्यान का प्रभाव रहता ही है, ध्यान का इफेक्ट रहता ही है और वो हमको कभी भी दिख सकते हैं। ध्यान में दिखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये दिख रहे हैं हमको, उसके भी पार जाने का है। बेटे देखो, यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो हमको दिखने की प्रक्रिया चालू हुई, हाँ, उसके बाद में यहाँ से ऊपर जाएंगे तो दिखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो ये एनर्जी बॉल, कलर, ये सब दिखना बंद हो जाएगा, फिर शून्य के ऊपर स्थिति प्राप्त हो जाएगी, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पहुँच जाएंगे कुछ नहीं हुआ। जैसे कहा है ना, शून्य शिखर पे अनंत बाजे, फिर यहाँ पे
जैसे छोटे बच्चे को नहीं तालू ऐसा लप 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 चलते रहता है, वैसे आपको यहाँ पे स्पंदन महसूस होगा, यहाँ महसूस होगा कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत समाधान लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन लग रहा है, एक प्रकार की असीम शांति का अनुभव होगा। इसलिए आपको कलर दिख रहे हैं, बॉल दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से अच्छा है और एक दूसरे से बुरा है। अच्छा इस दृष्टि से कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो आज्ञा चक्र तक, और बुरा एक दृष्टि से अभी आपको यहाँ तक पहुँचने का है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में जब कुछ दिन वहाँ स्थित हो जाओगे, यहाँ पे ना सहस्रार चक्र पे स्थित हो जाओगे, ये कलर देखना बंद हो जाएंगे हाँ, लेकिन उसके बाद में कुछ दिन बाद आप देखोगे आपको आपके अंदर से एक नाद सुने आएगा। जैसे आप देखते कि नहीं टेलीफोन का खंभा रहता है, वो टेलीफोन के खंभे के पास जाकर के अपन ऐसे कान लगाते कि नहीं, होता है कई बार तो कान लगाते हैं, तो कान लगाने में ऐसे एक अंदर से खाली एम्प्टीनेस का आवाज़ आता है, क्योंकि वो खंभे एकदम खाली रहते हैं तो उसका आवाज़ आता है। ठीक उसी प्रकार से वैसा ही आवाज़ तुमको तुम्हारे भीतर से तुम्हारे अंदर से आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण रिक्त हो गए, आप पूर्ण खाली हो गए, खाली होने के बाद में वो नाद वो इफेक्ट आपको महसूस होना प्रारंभ हो गया, तो ऐसा भी आपको अनुभव आएगा। लेकिन ये कब? सहस्रार चक्र पे पहुँचने के बाद, तो अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा रेगुलर अभ्यास करो। अच्छा तो दूसरा ना प्रार्थना करो ना, स्वामी मुझे ये कलर दिख रहे हैं, मुझे ये बॉल दिख रहे हैं, मैं आज्ञा चक्र पे पहुँचने के कारण दिख रहे हैं, मेरी इच्छा है मैं सहस्रार चक्र पे पहुँचूँ, और ये कलर दिखना बॉल दिखना मेरा समाप्त हो जाए। प्रार्थना में बहुत शक्ति रहती है, तो प्रार्थना कर से भी आप उस स्थिति तक पहुँच सकती है। चलो खुश खूब आशीर्वाद खुश रहो। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम दुधेला यशवी वीरेश भाई है, मैं भावनगर जिले के सीहोर गांव से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम वाकई में आध्यात्मिक तरीके से प्रगति कर रहे हैं, और उसके लिए ध्यान के अलावा और क्या उपाय है? धन्यवाद। बेटे मैंने बचपन में भक्त प्रहलाद की भक्त ध्रुव की कहानी पढ़ी थी, और तब पढ़ा था कि उनके अंदर एक तेज था। कई ऋषि मुनियों के बारे में भी पढ़ा था कि उनके अंदर एक तेज था, मैं समझता था तेज यानी जैसे अपन नहा धोकर के आते कि नहीं थोड़े गाल अपने चमकते हैं तो तेज है, तेज वो नहीं है। तेज यानी एक प्रकार का आकर्षण, तो जैसे जैसे हमारे आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, हमारे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है, तो वैसे वैसे हमारे अंदर का आकर्षण बढ़ने लग जाता है। यानी जो लोग अपने को पसंद नहीं करते वो लोग भी अपने को पसंद करने लग जाते हैं। ये अपने को अनुभव होता है कि अपना आकर्षण बढ़ रहा है, लोग अपने तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक दूसरा आध्यात्मिक प्रगति अपनी हो रही है ये अपने को कम दूसरों को ज़्यादा पता चलता है। मेरा ही एक निजी अनुभव है कि मेरे को भी ओरा के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ओरा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, और ओरा निर्माण हो गया तो भी ओरा के बारे में नॉलेज नहीं था। एक बार नागपुर के अंदर मैं प्रवचन दे रहा था, और प्रवचन दे रहा था तो मेरी छाया
मेरी शेडो पीछे की दीवार के ऊपर दिख रही थी और उसके बाद में मेरी शरीर के आसपास एकदम एक मिल्की लाइट, जैसे चंद्रमा का लाइट रहता है ना, वैसे हल्का 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 लाइट पूरे शरीर के आसपास दिख रहा था। और उसी रंग की गहरी कलर की एक बॉर्डर लाइन भी उस प्रकाश के आसपास दिख रही थी। ये मेरे को नहीं मालूम था कैसी दिख रही है, ऐसा हो रहा है, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने वो शिविर अटेंड किया था वो लोग पूरे समय वही देख रहे थे और वो बोल रहे थे, मैंने बाद में उन्होंने बताया, समझिए हमने जानबूझ के खूब बुद्धि चलाई, ऐसा लगा कि ये आपकी छाया है, लेकिन छाया अलग दिख रही थी, पीछे ये दीवार थी, दीवार पे छाया अलग दिख रही थी, ये जो था खूब सुंदर था, खूब चंद्रमा की लाइट जैसा था और उसके आसपास एक बॉर्डर थी और उसमें खूब आकर्षण था। तुम्हारा पूरा ध्यान प्रवचन की दफे केवल उस ओरा की तरफ था, उस आभामंडल की तरफ था, तो वो आभामंडल मेरे को नहीं महसूस हुआ, वो ओरा मेरे को नहीं महसूस हुआ, मेरे को पता भी नहीं चला। लेकिन जिन्होंने शिविर अटेंड किया था उनको दिख रहा था, उनको महसूस हो रहा था। ठीक इसी प्रकार से अपनी जब आध्यात्मिक प्रगति होती है तो आध्यात्मिक प्रगति का पता अपने को भी नहीं चलता। अपन तो जैसे करते हैं वैसे करते रहते, ध्यान करते रहते, चलते रहते, लेकिन लोगों को पता चलता है नहीं। आजकल ना इसके पास आके बैठना बड़ा अच्छा लगता है, आजकल ना ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, आजकल ना ये सब परिस्थितियों में सकारात्मक रहता है, आजकल ना ये सब परिस्थितियाँ आसानी से स्वीकार कर लेता है, आजकल ना ये सभी को क्षमा कर देता है, सभी को माफ़ कर देता है। ये हमारे स्वभाव में धीरे 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 आत्मा के गुण विकसित होने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर भाव कम होगा और जैसे जैसे आत्मभाव वृद्धिगत होगा तो क्या होगा, जो आत्मा के गुण हैं वो आत्मा के गुण धीरे 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 हमारे में से लोगों को प्रतिबिंबित होंगे, महसूस होंगे। इसके अंदर ये बदलाव आ रहा है, इसके अंदर ये चेंज आ रहा है, तो इस मार्ग में आया हुआ चेंज, इस मार्ग में आया हुआ बदलाव हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन हमें दूसरे को पता चलता है और दूसरे हमको बताते हैं तुम्हारे अंदर ये चेंज आया है, तुम्हारे अंदर ये बदलाव आया है, तुम्हारे सानिध्य में आकर मुझके बैठना बहुत अच्छा लगता है, तू बातें करता है, बातें करते मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यानी इस प्रकार से लोग ही अपने को आकर के उसके फीडबैक देते हैं। और सदैव कई बार साधक मुझे पूछते हैं, स्वामी जी मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ऐसे जब वो पूछते ना उनको मैं उत्तर देता हूँ कि तेरी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो बोले क्यों, मैंने बोला आध्यात्मिक स्थिति कैसी है ये पूछने की भी तेरी स्थिति क्यों है। वास्तव में ना आध्यात्मिक स्थिति वह स्थिति है जहाँ जाकर के शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जानना बोलना पहचानना देखना सब प्रक्रिया शरीर की है, ये सब बंद हो जाती है। तो अगर कभी अपने मन में प्रश्न आए कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है तो समझ लो आपकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति तो वो स्थिति है जहाँ जाकर के मेरी और मैं यही समाप्त हो जाता है। तो जहाँ मैं का विलय होता है वहीं आत्मा प्रकट होता है, आत्मा का जन्म होता है और उसमें वो आध्यात्मिक स्थिति को नहीं देखता, लोग उसके आध्यात्मिक स्थिति को देखते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्थिति आपकी कैसी है
कैसा महसूस होगा, ये सब छोड़ दो, ये सब बाहरी लोग आपको बताएंगे क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, और आप कोई अपेक्षा से इस मार्ग में मत आओ, कोई एक्सपेक्टेशन से मत आओ। जैसे फुटबॉल का मैच देखना शौक है ना, ठीक उसी प्रकार से आप किस मार्ग में, केवल शौक के लिए आओ कि ध्यान करना आपका शौक है, एक अच्छा शौक आपने लगाया कि नियमित ध्यान करना, तो आप देखोगे जीवन में सब कुछ स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव, मैं 15 साल का हूँ। आप कहते हो कि रेगुलर मेडिटेशन से हमारी आत्मा हमें गाइड करती है, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे गेमर ही बनना है और अभी मैं 10वीं में हूँ। पढ़ाई भी इतनी जरूरी है, लेकिन बार बार मुझे अंदर से ये लग रहा है कि मेरे को गेमर ही बनना है, इस वजह से मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूं? हमारी आत्मा हमें कैसे गाइड करती है, हमें कैसे पता चलता है? प्रणाम। कई बार हम आत्मा की बात तो करते हैं, आत्मा कह रही है, आत्मा बता रही है, आत्मा मार्गदर्शन कर रही है, ऐसा सोचते भी हैं, लेकिन अपन आत्मा के स्तर पे पहुँचे नहीं रहते। और हमारे शरीर के विचार, हमारे शरीर के भाव, हमारे शरीर की इच्छाएं, हम जो सोचते हैं ना वही महसूस करते हैं, और अपन सोचते हैं कि मुझे आत्मा गाइड कर रही है। अभी आप आत्मा के स्तर तक पहुँचे ही नहीं हो। उसके अंदर दो समस्याएं हैं, दो प्रॉब्लम हैं। एक तो अति विचार करते हो, खूब ज़्यादा सोचते हो, खूब ज़्यादा विचार करते हो, और खूब ज़्यादा विचार करने से क्या हो रहा है, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर पकड़ आ रही है, और पकड़ आ रही तो आपका ध्यान लगता ही नहीं होगा। आप ध्यान करने बैठोगे ना तो भी आपको विचार आते होंगे। जब आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है, आपको खूब विचार आ रहे हैं, तो आपका संबंध आत्मा के साथ कैसे स्थापित होगा? 1 साल से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, ध्यान कहाँ लग रहा है? ध्यान में आपको खूब विचार आ रहे हैं, वो विचार नहीं आना चाहिए ना। ध्यान में एकदम निर्विचारता की अवस्था प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वो जो आप सोच रहे हो कि नहीं क्या अपना आत्मा गाइड कर रही है, ऐसा नहीं है। अभी ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपनी स्थिति को अच्छी बनाओ, और दूसरे उसके बाद में फिर ना क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, ये अपने को आसानी से मिल जाएगा। दूसरा देखिए, जिस कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है आप उसी कार्य पे चलोगे। प्रत्येक का रहता है ना, प्रत्येक आदमी ये पटरी पे चलता है, वो पटरी पे चलता है, वो पटरी पे चलता है, सफलता नहीं मिलती। और उसके बाद में जब उसकी आत्मा उसको सही पटरी पे लेके आती है, जो पटरी उसके लिए बनी है और जिस पटरी के लिए वो बना है, तो उसकी गाड़ी उस पटरी पे स्पीड से चलती है। तो जब तक आप उस पटरी पे नहीं आओगे तब तक आपको स्पीड नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको यश नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आत्मा क्या कर रही है वो सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो आपके मन के विचार है। आपको ही गेम खेलना अच्छा लगता होगा, इसलिए आपको लगता है कि आपको गेम के अंदर आगे बढ़ने का, ऐसा नहीं है। पहले ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और दूसरा अपने विचारों से, अपने कल्पनाओं से, काल्पनिक रूप से आप सोच लेते हो ऐसे आत्मा गाइड करे, ऐसा नहीं है। ये आत्मा का गाइडेंस नहीं है, ये आपका मन का खुद का विचार है, आपके खुद की सोच है। इस सोच में से बाहर निकलो ना। आप जो विचार करोगे, जो सोचोगे, एक आपको मजाक बता देता हूँ। अभी क्या हुआ, मैं सिंगापुर में गया, और सिंगापुर में जाकर के एक सोने की चीन से मैंने उनको जमीन कैसे देखने का, जमीन के वाइब्रेशन कैसे चेक करने का वो दिखाया, कि अगर वो चेन पॉजिटिव घूमे तो उसके वाइब्रेशन अच्छे हैं, निगेटिव घूमे तो उसके वाइब्रेशन ख़राब है। तो एक चीनी शादी का थी, उसको एक स्थान गुरु शक्तिधाम के लिए अच्छा लग रहा था, तो उसने वहाँ चेक किया तो उसका चेन गोल गोल घूम रहा था, और उसके बाद में जब मैंने जाकर के चेक किया तो वो उल्टा घूम रहा था। तो फिर वो बोली, स्वामी जी मेरा सीधा घूम रहा है, आपका उल्टा घूम रहा है, क्या कारण है? मैंने बोला, तूने तेरे मन में ठान लिया है ये जगह मुझे पसंद है, तो ऑटोमेटिकली वही इफेक्ट, वही प्रभाव वो आने लग गया। सचमुच वो जगह अच्छी थोड़ी थी, और उसके बाद मेरा उस स्थान से कोई लगाव नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था, कोई सोच नहीं थी अच्छा है बुरा, कुछ नहीं, एकदम बैलेंस होकर गया था। और जैसे देखा तो वहाँ पे वो निगेटिव रिजल्ट आ रहे थे। तो कहने का था, कई बार
हम अपने जीवन में कोई मन में ठान लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद में फिर सोचते हैं आत्मा भी यही गाइड कर रही, ऐसा नहीं होता। ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, और मेडिटेशंस करके अपनी स्थिति बनाओ, और स्थिति बनाने बाद में फिर आपको जिस मार्ग में सफलता मिलने वाली है आप केवल और केवल उसी मार्ग पर चलोगे। देखिए जैसे जैसे ना अपनी स्थिति चेंज हो जाती वैसे वैसे अपनी इच्छाएं, अपनी सोच सब बदलते जाती। अब मैं आपको मेरे बचपन का किस्सा बताता हूँ। मैं छोटा बच्चा था ना, तब मैं कंचे खूब खेलता था, खूब कंचे खेलता था। और उस समय क्या सोचती, उस समय क्या विचार थे, यही विचार थे अब मैं बड़ा होऊंगा, खूब पढ़ूंगा, नौकरी करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और कोठियां भर भर के कंचे रखूंगा, घर में कोठियां भर भर के कंचे रखूंगा। ये विचार उस समय थे। आज है क्या, आज सालों हो गए कंचे को कभी हाथ ही नहीं लगाए। तो कहने का मतलब जो उस समय का वातावरण रहता है, जो उस समय की सोच रहती है, उस सोच के अनुसार अपने विचार रहते हैं और अपनी कल्पनाएँ भी रहती ऐसा करूँगा करके। लेकिन वैसे ही जीवन में करते ऐसा नहीं है। तो वैसा ये अभी आपकी वर्तमान की सोच है, जैसे ही चेंज करोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, थोड़ी परिपक्वता आएगी, ऑटोमेटिकली ये भी सोच बदलेगी ना, और आपको एक सही मार्ग मिलेगा, एक सही रास्ता मिलेगा। मेरे आपको खूब खूब आशीर्वाद है, आपको सही रास्ता मिले। मेरा नाम निसर्गी है, मैं कच्छ सेंटर से हूँ। और स्वामी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने शिरडी शिविर में मॉरिशस कंट्री का एक एग्जांपल दिया था कि वहाँ के लोगों में सरनेम नहीं है, तो वहाँ पे कास्ट रेस कास्ट रिलीजन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है। तो क्या स्वामी जी हम इसकी शुरुआत हमारे समर्पण ध्यान संस्कार से कर सकते हैं, यानी कि चैतन्य महोत्सव के हम फॉर्म भरते हैं, गुरु पूर्णिमा के फॉर्म भरते हैं, नाइट स्टे आश्रम के लिए हम जितने भी फॉर्म और रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, तो उसमें से हम सरनेम का ऑप्शन हटा दें तो स्वामी जी इसके बारे में आप कृपया मार्गदर्शन दीजिए, धन्यवाद। आपका अच्छा विचार है, इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। देखिए क्या रहता है, देश के अंदर जितने जाति के, जितने धर्म के, जितने ये जितने विभाग होते जाएंगे, वो देश को उतना ही कमज़ोर 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 होते जाएगा। और जितने ये विवाद कम होंगे उतना ही देश बलशाली होगा। तो जो देश के लिए वही बात विश्व के लिए, और वही बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी है। एक दूसरा जैसे बोलते हैं ना पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे पिंडे, जो हमारे में है वो विश्व में है, और जो विश्व में है वो हमारे में। तो इसकी शुरुआत हम अपने से भी कर सकते हैं ना। दूसरा ये जितने ये विभाजित करने वाली बात है, जातियाँ मनुष्य को मनुष्य से दूर करती, उपासना पद्धतियाँ मनुष्य को मनुष्य से दूर करती, भाषा मनुष्य से मनुष्य को दूर करती, ये विभाजन वाली बात है। तो ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते में सभी समान है, समय सभी एक जैसे। आज पिछले 27-28 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, योग मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। यही कारण है कि समर्पण ध्यान संस्कार के साथ विश्व के 100 से अधिक देशों के लोग जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग जाति के हैं, जो अलग अलग धर्म के हैं, जो अलग अलग भाषा के हैं, जो अलग अलग रंग के हैं, लेकिन सभी लोग एक ही अनुभूति महसूस करते हैं और एक ही भाषा है,
समर्पण ध्यान संस्कार में एक ही भाषा, वो भाषा है वाइब्रेशंस की भाषा, एनर्जी की भाषा, ऊर्जा की भाषा। वो भाषा मौन है, आवाज नहीं है उसमें, लेकिन अनुभूति है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से आत्मा तक पहुंचती है। शरीर की भाषा नहीं है, बोलचाल की भाषा नहीं है। और हिमालय में भी 28 जनजातियाँ थी, 28 जनजाति की 28 भाषाएं थी, उसके बावजूद भी सभी जने मिल करके हम सामूहिक ध्यान करते थे, सामूहिक मेडिटेशंस करते थे, और उसमें एक ही भाषा थी, वो भाषा थी प्रेम की भाषा। प्रेम, निस्वार्थ भाव से सब एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे, और उसी प्रेम के कारण सबको अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जी, अच्छे वाइब्रेशन महसूस होते थे। तो योग मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। नमस्कार। देखिए, प्रश्न आपके बहुत हो गए, सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने स्तर के ऊपर दिए, अपने अनुभव के आधार पर दिए। हो सकता है वो प्रश्न आपको उसके उत्तर समझ में आए होंगे, वो उत्तर नहीं समझ में आए होंगे। इन दोनों का ना एक स्तर रहता है। जैसे मेरे जीवन में एक बार की घटना है कि छोटे से पहाड़ी नदी के एक किनारे पे गुरुदेव बैठे थे, एक किनारे पे मैं बैठा हुआ था, और गुरुदेव ने कहा एक समय तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा जब लाखों लोग तुम्हारा दर्शन करने को तरसेंगे। ऐसे गंभीर होते हुए, ऐसे बहते हुए पानी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा। तो मैं मूर्ख था, मैं नहीं समझा। मैंने ना आसपास देखा और उनको कहा यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं है, और आप बोलते हो लाखों लोग दर्शन को तरसेंगे। और उस समय स्थिति थी, इतना घना जंगल था, इतना घना जंगल था कि ऐसा लगता था ये जीवन में तो इसके बाहर ही नहीं निकल सकते। और मन में भी आता था कि गुरु हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे, हो सकता है वो अगले जन्म की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें अभी सच नहीं लग रहा है, ये दिन तुम्हारे जीवन में आएगा। तो मैं मन में सोचा कैसे लाखों लोग तरस सकते हैं, मैं जाके दर्शन दूंगा उनको, दर्शन को कैसे तरसेंगे। आज देखो ये कोरोना काल में मैं दर्शन देना भी चाहूँ तो भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते ना लाखों। यानी ये कोरोना काल की घटना उन्होंने आज से कितने साल पहले बताई थी कि ऐसा तेरे जीवन में समय आएगा जब लाखों लोग तेरे दर्शन को तरसेंगे। आज देखो पिछला 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से बहुत कम लोग हैं जिनको मैं मिला हूँ, बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिनको मेरे दर्शन हुए, अन्यथा ट्रस्टी हो, कमेटी मेंबर हो, पदाधिकारी हो, जो एकदम रेगुलरली मिलने वाले, उन्होंने भी सालों से दर्शन नहीं किए। दर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हुए। मैं दर्शन देने की भी इच्छा कर रहा हूँ लेकिन दर्शन हो ही नहीं रहा है। कई रिश्तेदारों को भी दर्शन नहीं हो रहा है। तो कहने का अर्थ जितने पास के, जितने क्लोज के, उनको भी दर्शन नहीं हो पा रहा है। और ये घटना, ये स्थिति, ये दिन आएगा, इसके बारे में उन्होंने सालों पहले बताया था। तो इसलिए ना गुरु बोलता है अपने एक स्तर के ऊपर, शिष्य सुनता है अपने एक स्तर के ऊपर, दोनों के ऊपर स्तर का अंतराल बीच में रहता है, समय का अंतराल रहता है। गुरु ने कही हुई बात
शिष्यों को समझने में खूब समय लगता है। तो आज जो मैंने आपसे चर्चा की, आपको जो समझाया, आपको जो बातें बताई, जरूरी नहीं कि आपको ये समझ में आए। क्यों आज नहीं समझ में आएगी, कई सालों के बाद समझ में आएगी, अरे मेरे को स्वामी ने ये कहा था और मेरे बारे में ये कहा था, ये सतर्कता बतरने को कहा था। तो इसलिए आवश्यकता है नियमित ध्यान करने की। और दूसरा, आप बच्चे ना सबसे ज़्यादा अमीर हो, आपके पास में उम्र का खजाना है। उम्र का खजाना है यानी आपके पास में ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए उम्र है। इसमें ना साधना करने के लिए शरीर की आवश्यकता है और दूसरा साधना करने के लिए समय की आवश्यकता है। समय होना चाहिए ना, कि इसमें तुरंत ऐसा फटाक से नहीं होता, से एक समय लगता ही है, एक टाइम लगता ही है। तो आपके पास में वो समय है, आपके पास वो टाइम है। और दूसरा, दो तीन बातें ध्यान रखो। एक तो ध्यान में अपेक्षा के साथ मत आओ, इस मार्ग में ध्यान करने से मेरा ये अच्छा हो जाएगा, ध्यान करने से मेरा ये भला, ऐसा कोई अपेक्षा लेके मत आओ। ध्यान में केवल शौक के लिए आओ, जैसे फुटबॉल का मैच देखते हो आपका शौक है, क्रिकेट का मैच देखते हो आपका शौक है, माने उससे आपको कुछ मिलता नहीं है, वहाँ से आपके कोई कार्य नहीं होते, लेकिन आपका शौक है इसलिए आप देखते हो। वैसे आप समर्पण ध्यान भी केवल शौक के लिए करो, एक अच्छा शौक है, ध्यान करना एक शौक है। ध्यान करने से मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इसलिए मैं ध्यान करती हूँ या ध्यान करता हूँ, ये भाव रखो ना, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कोई अपेक्षा नहीं रहेगी कि ध्यान करने से मेरे को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा शरीर की होती है, वो आपको शारीरिक स्तर पर लेके आएगी, और अपेक्षा हमारी साधना को अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है। तो एक तो अपेक्षा लेके मत आओ, और दूसरा जो भी जीवन में परिस्थितियाँ हैं उसको स्वीकार कर लो, उसकी शिकायत मत करो, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कोई शिकायत मत करो, सब गुरु कृपा में हो रहा है, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, सब परिस्थिति में स्वीकार करने का रखो, तो जीवन में सदा सुखी रहोगे, सदा ही प्रसन्न रहोगे। और तीसरा, जीवन में क्षमा का भाव रखो। कोई भी घटना होती है, कोई बुरे व्यक्ति आते हैं अपने जीवन में, तो वो ना व्यक्ति निगेटिव रहते हैं, तो वो ऐसे चिपकते हैं अपने से कि उनकी बातें अपने से छूटती नहीं, अपन उसको भुलाना चाहे तो भी भुला नहीं पाते। ऐसे कितने भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में आए ना, तो उनको क्षमा कर दो, उनको माफ़ कर दो। क्षमा कर दो मतलब जाके उनके पैर पड़ो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, क्षमा कर दो इन्हें अपने चित्त में से निकाल के फेंको, क्योंकि वो इतने गंदे रहते हैं, इतने खराब रहते हैं, ऐसे चिपकते हैं कि अपन उसको भुलाना चाहे तो भुलाते नहीं आता, क्योंकि उनकी नकारात्मक शक्ति खूब स्ट्रांग रहती है। तो ऐसे नकारात्मक शक्तियों को छोड़ देने की आवश्यकता है। तो छोड़ने का एक ही मार्ग है, उनको क्षमा कर दो, उनको माफ़ कर दो। और दूसरा, अगर क्षमा नहीं करते हैं ना, तो आप अपना भूतकाल मुझे समर्पित कर दो। जितने बुरे व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं, जितनी बुरी घटनाएं आपके जीवन में आई, वो सारा भूतकाल इकट्ठा करके एकदम आज करो ऐसा नहीं बोलता हूँ, जिस दिन आपका भाव हो जाए कि नहीं आज मुझे समर्पण करने का है, उस दिन एक कागज़ पेन लो और पूर्ण भाव से लिखो, स्वामी जी आज से मैंने मेरा सारा भूतकाल, भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल के व्यक्ति आपको समर्पित कर दिए, आज से मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं। और उसके बाद में उस कागज़ को आप जला डालो और मन में भाव रखो, ये स्वामी जी को मैंने समर्पित कर दिया है, अब इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। तो उससे क्या होगा, भूतकाल में आपका चित्त जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो फिर बाद में उसके कारण भविष्य में भी जाएगा नहीं, तो पेंडुलम शरीर की स्थिति रहती है, एक बार इधर लेके जाते हैं फिर एक बार इधर जाता है, उसके बाद में आप वर्तमान में रहोगे, और वर्तमान में रहना ही ध्यान है। ध्यान का एकदम सरल परिभाषा, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना। और दूसरा ना,
थोड़ा समय अपने आप के लिए एकांत के लिए दो। हम सबको समय देते हैं, सबको टाइम देते हैं, खेलने को टाइम देते हैं, पढ़ने को टाइम देते हैं, सबको टाइम देते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते। एक थोड़ा समय, एक आधा घंटा नियमित आत्मचिंतन करो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करने का है, कौन सा कार्य मेरा पूर्ण हुआ है, कौन सा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कौन से कार्य में सफलता मिली है, कौन से में असफलता मिली है, असफलता मिली तो कौन से कारणों से मिली है और सफलता मिली तो कौन से कारणों से मिली। अपना अवलोकन करो ना, अपना आत्मचिंतन करो ना। जितना आत्मचिंतन करोगे उतना आप अपने आप को अच्छे से जानोगे। देखिए, ये भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप को टाइम देना खूब आवश्यक है। और दूसरा, आपके पास उम्र का खजाना है, उसको अच्छे मार्ग पे लगाओ, अच्छे रास्ते पे लगाओ। और दूसरा, नियमित ध्यान करो ना। सुबह करो, सुबह समझ लो मिस हो गया, शाम को करो, लेकिन नियमितता आपकी टूटनी नहीं चाहिए। चलो अब हम ध्यान करेंगे। कुछ नहीं, मैं जैसे बैठा हूँ ना ऐसे बैठो, उसके बाद में जमीन पे बैठो। जमीन पे बैठने से हमारा मूलाधार चक्र जमीन को स्पर्श करता है, और स्पर्श करते तो क्या होता है, हमारे जो दोष है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच देती है। अब ये राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो, हल्का सा दबाव दो, दबाव देके तीन बार क्लॉकवाइज घुमो और अपने चित्त को तालू भाग पे स्थिर रखो और धीरे 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 हाथ को नीचे ले आओ और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और जो बोला है ना वैसा खुद अनुभव भी करो, अपने चित्त को तालू भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। तो आपको आपके शरीर में क्या अनुभूतियाँ हो रही उसको अनुभव करो।
नमस्कार।